शासन के आदेश के अनुपालन में जिला पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं क्षेत्र पंचायतों को आरक्षण जारी कर आगरा प्रशासन ने पंचायत चुनाव का आगाज कर दिया है। जिले की 690 ग्राम पंचायतों में 354 ग्राम पंचायतों को सामान्य श्रेणी, 154 को अनुसूचित जाति, 182 को अन्य पिछड़ा वर्ग, 57 ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, 66 को अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं और 112 ग्राम पंचायतों को सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। जिला पंचायत चुनाव को आरक्षण जारी होते ही ग्राम पंचायत चुनाव में उतरने का मन बना बैठे योद्धाओं की धड़कनें बढ़ गई होंगी। पिछली बार की तरह जिला पंचायत चुनाव 2021 में भी जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित की गई है, लेकिन जिला पंचायत सदस्यों के 50 वार्डों में 17 महिलाओं को जिला पंचायत सदस्य की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। वहीं महिला सशक्तिकरण का ध्यान रखते हुए जिले की 15 सीटों में से 5 क्षेत्र पंचायतों की कमान महिला संभालेंगी। निश्चित तौर पर जिला पंचायत चुनाव की सीटों का आरक्षण जारी होने से कई प्रत्याशियों के गणित बिगड़ गए होंगे, लेकिन शासन ने जारी आरक्षण पर आपत्ति दर्ज करने के लिए एक मौका दिया है। डीएम आगरा पीएन सिंह ने बताया कि जिला पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनता और राजनीतिक पार्टियों से आपत्ति दर्ज करने के आवेदन मांगे गए हैं। 8 मार्च के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। जो चुनाव आयोग के गाइडलाइंस है उसके अनुसार डेट फिक्स है, 2 या 3 तारीख को हमें पब्लिश करना था। यहाँ पे जो हमारे नोडल हैं सीडीओ आगरा हैं, उन्होंने अपना अच्छा प्रयास करके समय से पहले तैयार कर लिया था। आज पेपर उन्होंने पब्लिश करा लिया, किसी कोई आपत्ति आएगी उसको फिर उसका खंडन किया जाएगा, मतलब उसको परीक्षण करके फिर उस पर ऑर्डर पास किया जाएगा। और टेंटेटिव जो चुनाव है लास्ट वीक ऑफ मार्च से लेकर के अप्रैल के आसपास संभावित है, उसकी तैयारी चल रही है। बेसिस दिस रिजर्वेशन जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है वो करने के लिए कहा गया है एसडीएम सीओ को, जब आएगा उसके फिर अपनी डिटेल कार्य कराया जाएगा। सदन के लिए कोई समय सीमा आपत्ति मांगे गए हैं? हाँ, डेट अलग अलग फिक्स है। 2 और 3 तारीख को जो है हमने पब्लिश करने का टाइम था, इसके बाद 3 दिन का समय है अपने ऑब्जेक्शन को डाल सकते हैं, उसके बाद हमें फिर 2 दिन का समय रहता है उन ऑब्जेक्शन को हमें स्पीकिंग ऑर्डर से पास करने का। प्रयास किया गया है कि इसमें कोई त्रुटि ना हो, अलग से हमने 3 टीम डिफरेंट लगाई थी, तीनों से क्रॉस चेक करा लिया है। उम्मीद है कुछ त्रुटि नहीं होगा, लेकिन फिर भी माननीय अगर कुछ भूल होती है उसमें अगर आता है ऑब्जेक्शन उसको ठीक से देखेंगे। यहाँ की जो पब्लिक है जिन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो किया, जिस समय जरूरत था अपने घरों में रहे, उनकी देन है। साथ ही एक टीम की भावना से सबने काम किया, उसका देन है। वायरस जो संक्रमण बढ़ा था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग जो हमारी टीम ने किया है, प्लस जिस तरह कोविड हॉस्पिटल्स में उसका उपचार किया गया, उसका प्रभाव है। डॉक्टर्स की टीम, यहाँ के लोगों का मैं आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने इसमें साथ दिया और सब लोगों ने एक टीम भावना से काम किया, इसका रिजल्ट दिया है। मार्च माह के अंत और अप्रैल माह में जिला पंचायत चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि जिला पंचायत चुनाव 2021 में सभी सीटों के लिए एक साथ मतदान कराया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारी मशीनरी की बड़ी टीम लगाने की तैयारी की गई है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।